हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? और मॉर्निंग हो गई है, मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले मशीन लगाई है और कपड़े काफ़ी धुल चुके हैं। मौसम फिर से वैसा ही है। मौसम के बारे में क्या बोलूँ, देख लीजिए खुद ही। तो कपड़े धुल रहे हैं और मैं डालती जा रही हूँ, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। रूम वगैरह सब सही हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है घर में, बस मैट बिछानी है। यहाँ पे सब रूम सेट हो गया है। आज काम जल्दी हो गया था। आज अभी बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे तक झाड़ू पोछा सारा हो गया, किचन का भी सारा काम हो गया है। बस मुझे खाना बनाना है, यानी लंच बनाना है। तो किचन का भी सारा काम सब कुछ फिनिश हो चुका है। दूध बॉयल करना है, तो मैं आप लोगों से बात करते करते दूध भी बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा, एंजल ने सुबह सुबह नहा के पूजा कर ली थी, तो अगर सुबह ज्योत बत्ती हो जाती है फिर निश्चिंत हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो रखे थे, काफ़ी कपड़े। और ये मैंने इसमें दूध कर लिया है, और दूध में कहते हैं थोड़ा सा पानी ज़रूर मिलाना चाहिए, चाहे आप आधा गिलास, चाहे 1 कप, चाहे जितना भी। बिना दूध में पानी मिलाए बॉयल नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि इससे बच्चों का तेज बढ़ता है। तो दूध में जो कुछ लोग होते हैं ना, दूध वैसे ही बॉयल कर लेते, तो हल्का सा पानी दूध में ज़रूर मिलाए। तो बस मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगी दूध। सुबह की चाय हो चुकी है और हस्बैंड जा चुके हैं, उनका नाश्ता पानी मैंने करा दिया था, तो वो ऑफिस जा चुके हैं। और मैं उनके जाते ही मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, बहुत सारे बारिश की वजह से। आज भी फिर से लग रहा है कि पूरी रात बारिश वैसे भी हुई है, 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही है, और दिन में भी लग रहा है कि बारिश होगी। मैं सोच रही हूँ थोड़े से बस मेरे कपड़े थोड़े से हल्के फुल्के सूख जाए तो मैं अंदर फैला दूँगी और फ़ैन चला दूँगी, कैसे भी करके सूख जाए, क्योंकि स्मेल आने लगती है कपड़ों में से। अगर कपड़े नहीं सूखते हैं तो उसमें से स्मेल है। एंजल जल्दी वाली लाइट चलाना। तो टिनटिन अभी देख रही है टीवी, टिनटिन ने अभी कुछ खाया नहीं है। मैं जा रही हूँ टिनटिन के लिए भदरी बनाने, भदरी यानी जो मूंग दाल की खिचड़ी पतली वाली होती है वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा कब्ज हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको वही मूंग दाल की खिचड़ी अभी बना के खिला दूँ। तो चलिए मैं फटाफट अपने कपड़े, जो बाकी का काम है उसे फिनिश करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मेरा सारा काम आफ्टरनून का फिनिश हो चुका है, और कपड़े पे भी सारे धुल गए हैं। सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, सारे कपड़े जैसे जैसे पहने थे वो सब मैंने डाल दिए हैं। और मौसम तो बहुत ही बेकार हो रखा है, ये देखिए। और ये जो है ना, खम्बे पे लाइट जल रही है, और टाइम हो रहा है 4 बज रहा है अभी, टाइम 4 हो रहा है। तो मौसम तो वैसे आपने लोगों ने सुना होगा ना, बाटी चोखा, जिसको लोग लिट्टी चोखा भी बोलते हैं, बाटी भरता भी बोलते हैं। तो आज मेरा मन तो है बाटी भरता बनाने का। और क्या होता है ना, यहाँ पे आसपास सत्तू नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार मैंने और भी ढूंढवाया था तो नहीं मिला, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो एक शॉप है, उनसे बोला था कि आप मंगा दीजिए, तो मैं इनको भेजूँगी। अगर मुझे सत्तू मिल गया तो आज मैं बाटी नाइट के डिनर में बाटी बनाऊंगी, बाटी और भरता। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही। और ठंड वैसे ही है यार, क्या रोज़ रोज़ ठंड ठंड ठंड। चलिए मैं आपको अपने बर्थडे गिफ्ट दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला है। मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि कल का मौसम आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसा था। बहुत ही खतरनाक मौसम था, बहुत ही भयंकर मौसम था। तो मेरी ऊपर आंटी रहती है, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो चलिए मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अरे देखिए कपड़े डले हैं, बेडशीट वहाँ पे डली है, एंजल है, क्या करूँ, कपड़े डालने की जगह ही नहीं है। एंजल इसमें होगा ना, आंटी ने जो गिफ्ट दिया था। तो आंटी ऊपर रहती हैं, ऊपर के हमारे वो हैं, मकान मालिक बोल लीजिए अगर, लेकिन हमारे जो वो कह रही फैमिली की तरह हमारा रिलेशन है, हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो कल वो वही आई थी और मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आई थी। तो उन्होंने मुझे ये सूट दिया है, ये है ना, बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही प्यारा। एक्चुअली मैं सूट पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर कुर्तियाँ पहनती हूँ, सूट बहुत कम पहनती हूँ। तो ये सूट का डिज़ाइन ना कुछ ऐसा है, इस टाइप का है, दिख रहा है दुपट्टा, और ये तो बहुत ही प्यारा दिया है उन्होंने, ये रहा।
बहुत ये फिरोजी और ऑरेंज पे है। ऑरेंज तो मेरा वैसे भी फेवरेट कलर है, ऑरेंज येलो ये है सूट। और इसका ये दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है इसका। तो मैंने सोचा अगर उन्होंने दिया है तो मैं सूट को ज़रूर बनवाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा सूट है, बहुत ही भी ये गले पे आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कुर्तियाँ पहनती हूँ या फिर जीन्स वगैरह या लोअर टी शर्ट वगैरह, यही सारी चीज़ें डालती हूँ। तो ये सूट को मैं बनवाऊँगी, ज़रूर बनवाऊँगी। और पति देव का भी गिफ्ट पेंडिंग है, कल वो लेके तो जा रहे थे लेकिन मौसम आंधी तूफान इतना ज़्यादा था तो मैं नहीं ले पाई। और वैसे भी गिफ्ट क्या है, गिफ्ट तो हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं, लेकिन एक होता है ना उनका, कल रात में ही मुझे बोले थे अगर तुमने कुछ लिया नहीं, मैंने कहा कोई नहीं ले लेंगे किसी भी दिन चल के। तो उनका गिफ्ट अभी पेंडिंग है। और अभी एक कोरियर आया था टेंटिन का, मैंने डायपर ऑर्डर किए थे तो वो एंजल डांस कर रही है। तो डायपर वगैरह ऑर्डर किए थे, डायपर मंगाए हैं मैंने। और आज घर बहुत हल्का लग रहा है, बहुत सारे कपड़े धुले हैं, बहुत सारे कपड़े धुले हैं मैंने, तो सारे कपड़े धुल गए। और डायपर जो मैंने मंगाए हैं वो दूसरे ब्रांड के मंगाए हैं, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। वो ब्रांड मतलब इस पहली बार मैंने वो ब्रांड बनाया, लेकिन एक मैंने उसमें से यूज़ भी किया था तो वो सही है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है वो। मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ ब्रांड का, क्योंकि ब्रांड मैं दिखाऊंगी भी नहीं। मैंने ऐसे ही टिंटिन के लिए मैंने बोला था ना, ऑनलाइन मैंने मंगाया उसका रात में, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है ना यहाँ पे, यहाँ पे धूप बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, इतनी गंदी धूप हो रही है। ये देखिए ये वाला, ऐसे मैंने दो मंगाए थे ये ना, ऐसे लिटिल्स लिटिल्स करके हैं, हाँ लिटिल्स करके है ये, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। प्राइस लगभग सबका एक ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इसमें, कि दो दो मंगाए हैं मैंने, एक तो मैंने खोल लिया और ये वाला भी खोला नहीं है, तो ये चल जाते हैं। क्योंकि मैं वैसे भी गर्मी में उसको डायपर नहीं लगाती हूँ, अभी ठंड है इसलिए मैं रात में उसे लगा देती हूँ, वैसे नहीं लगाती हूँ। तो चलिए अब लाइट चली गई, लाइट जाती है अंधेरा हो जाता है क्योंकि एक लाइट जलती है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ, पकड़ के पहले मैं टिनटिन को थोड़ा सा निन्ना करा दूँ, वरना वो रात में फिर बहुत ड्रामे करती है, गलत टाइम पे सो जाती है। करो डांस, डांस करी तो डांस में कैसी शर्म, तो यहाँ पे छुप छुप के डांस कर रही थी। और टिनटिन कहाँ है टिनटिन, ये कौन सी एक्टिंग हो रही है, कौन सी एक्टिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चलो निन्ना कर लो, निन्ना कर लो बेटा प्लीज। एंजी नहीं है वो, एंजल दीदी बोलो उसको, एंजल बुला रही है तुझे। अच्छा चलो उठो, उठो यहाँ से, चलो निन्ना टाइम हो गया है, चलो निन्ना कर लो बेटा प्लीज, चलो निन्ना कर लो, आ जाओ, चलो निन्ना आ जाओ, निन्ना कर लो प्लीज, निन्ना कर लो। बहुत शैतान लड़की है ये, नहीं करने वाली निन्ना। क्या हुआ? हाँ जो कपड़े डाले थे ऊपर, हाँ। वो सीधे डाले थे और आप देखो अपने आप ऊपर चले गए, मैंने डाले भी नहीं ऊपर। अरे वो मैंने फेक अभी डाला था ना तो चले गए थे, नहीं वो मुझसे ही गए थे, तुमसे नहीं गए थे। अरे मतलब ये तो सीधे थे अभी, वो मैं उतार लूंगी, कोई नहीं, उसे फंस जाते हैं तो फटने का डर रहता है। और कुछ आ जाओ, चलो अंदर चलो यार, बारिश ना आए, बारिश का ध्यान देना, पता चले कि हम जाए अंदर इधर कपड़े भीग जाए, कोई नहीं। हेलो एवरीवन, अरे बार बार हेलो एवरीवन बोलने की आदत पड़ गई है। लेकिन अभी शाम हो गई है, शाम 5:30 हो रहा है, अंधेरा हो गया है बहुत तगड़ा वाला बाहर, मैंने आलू चढ़ाए, सीटी की आवाज़ आ रही होगी। और टिनटिन यहाँ पे बैठी हुई है, अभी टिनटिन गिर गई थी, चोटू लग गई थी। टिनटिन हाय कर दो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गन्ना गन्ना है गन्ना। और टिनटिन ये तैयार बैठी है, टिनटिन ने अभी यूट्यूब पे रील्स बनाई है। अच्छा हेलो कर दो, हेलो हेलो एवरीवन, नहीं बोलेंगी ये। तो मैं बनाने जा रही हूँ भरता, और ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि मैं बाटी और चोखा।
बनाने जा रही हूँ। बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, बाटी भरता, जो भी बोलते हैं, सब जगह का अपना अलग अलग है, तो उसी को वही बनाने की तैयारी, क्योंकि मौसम बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है, और ये खाने का इस मौसम में ज़्यादा मज़ा होता है। तो मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, और बस अब बैगन वगैरह वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा देखने को मिलेगा कि मैं कैसे बनाती हूँ भरता और बाटी। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।